हाँ दया बोल, बापूजी को मनाने का क्या आइडिया सूझा तुझे? क्यों ना हम आज शाम को बापूजी के सभी मित्रों को हमारे घर पर भजन कीर्तन के लिए बुलाए और बापूजी को सरप्राइज दे। मैं बाघा को बोल देता हूँ, वो क्या है कंप्यूटर में से बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन का लोडिंग वो छोटी सी पेंडल में कर देगा। बागेश्वर जी, मैंने आपको जो गाने की लिस्ट दी थी आपने डाउनलोड कर दिए? बावरी जी, मैं आपके वही गाने डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ बागा, भजन कीर्तन रेडी हो गया सेठ जी। चल ला 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 जल्दी ला, पेन ड्राइव ही निकाल रहा हूँ। हाँ ला 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 जल्दी ये लीजिए। सब बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन डाले हैं ना सेठ जी? एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन डाले हैं। बापू जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या मुझसे आपका कोई अनादर हो गया हो तो ना समझ समझ के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ किया बापूजी ने माफ कर दिया मुझे। अरे माफ कर दिया बापूजी, थैंक यू बापूजी। ये लीजिए, आपकी बचाव की टिकट भी हो गई है, याद से लेके आया हूँ। अरे वाह ले आया, वाह वाह वाह। बहू इसे अभी कहीं रख दे, मैं बाद में ले लूँ। संभाल के रखना बापू जी। जेठिया, तूने आज यहाँ इन सबको बुलाकर भजन कीर्तन का जो मुझे सरप्राइज दिया है मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू जेठिया, थैंक यू। नहीं नहीं बापू जी, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आपने मुझे माफ कर दिया। तो अभी भजन कीर्तन का प्रोग्राम शुरू करें बापूजी। हाँ लेकिन भजन मंडली कहाँ है? अरे ये यहाँ इसमें है बापूजी। ये इसमें? हाँ बापूजी, इसमें मैं बढ़िया बढ़िया भजन डाउनलोड करके लाया हूँ। ये न बजते रहेंगे और हम इसका मजा लेते रहेंगे। चंपक तेरा घर तो घर नहीं मंदिर लगता है। अरे भाई प्रेम जी, घर भी तो एक मंदिर ही होता है ना। तो भजन शुरू करो बाबूजी। भक्ति में तल्लीन हो जाइए। सॉरी, लगता कुछ अलग बटन दब गया। पता नहीं क्या जेठिया वाह, कहना पड़े मानना पड़े, ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम है या डिस्को का? तूने चंपक को नहीं हम सबको भी सरप्राइज दिया है। चलो भाई चलो 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 चलते हैं, चलो ये सीख रस्ते, चलो चलो चलो। सॉरी वो सॉरी हम वो कल वो मस्त में जेठिया
बाबूजी बाबूजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बाका की गलती है। मैंने बाका को बोला था कि पेन ड्राइव में वो सब अच्छे अच्छे भजन डाउनलोड करे, वो गधे ने इसमें सब डिस्को के गाने डाल दिए है। आज बाका की खैर नहीं, आज उसको मैं नौकरी से ही निकाल देता हूँ। खबरदार खबरदार, जो बाका पे दोष का टुकड़ा डाला है तो तुझे चेक करके लाना चाहिए था ना, ये काम तेरा था और तू बाका पे इल्जाम लगा रहा है। और खबरदार जो बाका को डांटा है उसे नौकरी से निकाला है तो ये सब गलती तेरी लापरवाही की है। लापरवाही में कभी घर आना भूल जाता है, कभी कोई काम भूल जाता है, कभी तपास करना भूल जाता है, आंखें बंद करके सारे काम करता है। ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू। बोल बागा। सेठ जी बहुत बड़ी अदला बदली हो गई है। अच्छा क्या? सेठ जी मैंने आपको जो पेन ड्राइव दी है उसमें मैंने बावरी जी के लिए पार्टी सॉन्ग डाउनलोड किए हैं, भजन कीर्तन वाली पेन ड्राइव यहीं रह गई है। मैं अभी घर पे आकर ये भजन कीर्तन वाली पेन ड्राइव आपको दे जाऊं? नहीं यार, अभी सब खेल खत्म हो गया है हाँ बेटा। थैंक यू। बापूजी कुछ मत बोल, तू भजन कीर्तन के प्रोग्राम में डिस्को के गाने बजाता है। लेकिन बापूजी चुप, आज तूने मेरे सारे दोस्तों के सामने मेरा अपमान किया है। अरे मैं ऐसे क्यों करूंगा बापूजी? हाँ बापूजी, मैंने तो सोचा था कि मैं भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखूंगा, आपके दोस्तों को बुलाऊंगा, आपको सरप्राइज दूंगा, तो आप खुश हो जाएंगे, मुझे माफ कर देंगे और फिर से मेरे साथ बात करने लगेंगे। हाँ बापूजी, ऐसा सोचा था। खबरदार अगर आज के बाद तूने मेरे साथ बात करने की कोशिश भी की है तो आज के बाद ना मैं तुझे कुछ बोलूंगा और ना ही तू मुझे कुछ बोलेगा। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? चुप, कह दिया सो कह दिया। क्या कह दिया सो कह दिया बापूजी? पापा आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए दया? दया तू तो देख ही रही है ना, सुबह से मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ बापूजी को मनाने के लिए। हाँ। अगर मैं चाहता कि बापूजी मुझसे बात ना करे तो मैं ये सब करता ही नहीं ना। नहीं नहीं करते। ओ इससे कह दे इन सब बातों का अभी कोई मतलब नहीं है, मैंने तय कर लिया है मैं इससे बात नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझसे बात ना करके आपको खुशी मिलती है बापूजी तो ठीक है, मत कीजिए मुझसे बात। मैं भी कसम खाता हूं कि क्या बोल? नहीं बताऊंगा। बाबूजी रुक जाइए, टप्पू के पापा, बाबूजी आप दोनों शांत हो जाइए, हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बाबूजी आपने कहा था ना, जो परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं उस घर में सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है, और टप्पू के पापा आप भी वही मानते हैं ना, तो हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए संतोष भाई। अभी हाँ ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ मिलने। हाँ ठीक है ओके। दया एक पार्टी है संतोष भाई सेट्टी, मुझे अभी उनको मिलने जाना पड़ेगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, मेरी राह मत देखना। टिकट पड़ी है। हेलो जेठांकल, जेठांकल आपके घर पे मस्त लाउड म्यूजिक बज रहा था, पार्टी थी क्या? हाँ पार्टी थी जेठांकल। पार्टी थी और बुलाया भी नहीं? नहीं बुलाया, मेरी मर्जी, क्या कर लेगा तू? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा बच्चा? हाँ तो आपके कंपैरिजन में तो मैं छोटा ही हूँ ना। आपकी उम्र क्या है? अपना काम करना भाई, उम्र पूछ रहा है? तेरा वजन देख, तेरा वजन क्या है? जेठा अंकल, लड़की से उनकी उम्र और हाथी फैमिली से उनका वजन,
कभी नहीं पूछते हैं। तेरी पत्थर नहीं चढ़ेगा, पत्थर नहीं, लग जाएगा बच्चे। हाँ तो डॉक्टर तो घर के ही है ना। बोलता हूँ पापा को, मारो मारो मारो। पापा जेठा अंकल पत्थर फेंक के मार रहे हैं। अंजलि भाभी मेहता साहब है घर पे? हाँ जेठा भाई, तारक तो अंदर ही है। क्यों, कुछ काम था उनसे? हाँ थोड़ा। जेठा भाई क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? नहीं कोई टेंशन कुछ नहीं है। पक्का? हाँ हाँ। तो जाइए, तारक बैठ के कुछ पढ़ ही रहे होंगे। थैंक यू। मेहता साहब। अरे आओ जेठालाल आओ, बताओ भाई कैसा रहा सरप्राइज, कॉम्प्रोमाइज हो गया? हो गए चाचा जी खुश? नहीं, आपका अनुमान सही निकला, सरप्राइज में सब गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या क्या हो गया जेठालाल? शुरुआत तो बढ़िया हुई, वो क्या हुआ? ये तो जेठालाल तुम्हारे साथ गरीबी में आटा गीला हो गया भाई। हाँ मेहता साहब, जिस रस्सी से चल के मैं बापूजी के दिल तक पहुंचना चाहता था, वो रस्सी नहीं सांप निकली, उल्टा मुझे ही डस लिया। चलिए जेठालाल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई। बुरा नहीं मेहता साहब, बुरे से भी बुरा हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं मेरे नसीब में कितने चक्रव्यूह पड़े हैं, एक से बाहर निकलता हूँ तो दूसरा चक्रव्यूह दरवाजा खोल के खड़ा ही होता है। आइए आइए भाई साहब, आ जाइए अंदर, आ जाइए, घुस जाइए, स्वागत है आपका, आइए। जी जेठालाल, लेकिन इस वक्त मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, क्या राय दूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, अभी मैं आपकी कोई मदद मांगने नहीं आया हूँ। अभी तो मैंने एक फैसला लिया है, उसके बारे में बताने आया। कैसा फैसला लिया जेठालाल? पहले आप कसम खाइए कि आप किसी को बताएंगे। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है जेठालाल? विश्वास की बात नहीं है मेहता साहब, आप कसम खाइए ना भाई। ठीक है भाई, कसम खाता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ क्या फैसला किया तुमने? मैंने फैसला लिया है कि जेठालाल का तुम पागल हो गए। आप मुझे पागल कहो, दीवाना कहो, कुछ भी कहो, मैं फैसला कर चुका हूँ। जेठालाल तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होशो हवास में हो के नहीं? मेहता साहब मैंने ये जो फैसला लिया है बिल्कुल होशो हवास में लिया है। अगर बापू जी ने कसम खाई है मुझसे बात नहीं करने की, तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, मैं भी अपने फैसले से अभी पीछे नहीं हटूंगा। जेठालाल तुम जो करने जा रहे हो ये दया भाभी को पता है? कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, अगर ये बात मैं दया को बताऊं तो क्या वो मुझे करने देगी? और मेहता साहब आपको भी हमारी दोस्ती की कसम, आप भी दया को बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है जेठालाल, कसम खाता हूँ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या मैं भी तुम्हें करने दूंगा? मैं कैसे करने दे सकता हूँ तुम्हें जेठालाल? मेहरबानी करके एक बार फिर से अपने फैसले पे सोच लो जेठालाल, और सोचो क्या तुमसे ये होगा ही नहीं जेठालाल, ये करना नामुमकिन है। मेहता साहब ये कच्ची माड़ू का फैसला है, और एक कच्ची माड़ू जब कोई फैसला लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है। अब चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, मैंने जो करने की ठानी है वो मैं करके रहूंगा। आप तो बस अब मुझे ऑल बेस्ट कहिए मेहता साहब। जेठालाल एक बार फिर से सोचो। मेहता साहब सिर्फ ऑल बेस्ट कहिए बस। ठीक है, अगर तुम जिद्दी कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। दादाजी देखिए ना, हमारी जिंदगी में ये कैसा तूफान आ गया है। बेचारे टप्पू के पापा बापूजी को मनाने की जितनी भी कोशिश करते हैं वो सब उल्टी ही हो जाती है, और टप्पू के पापा ने मन ही मन में कोई कसम खा ली है। पता नहीं क्या कसम खाई है। आप उनको हिम्मत देना और उनका हौसला बनाए रखना। वैसे तो टप्पू के पापा रात को काम से बाहर नहीं जाते हैं, आज क्यों बाहर गए? फोन करके पूछती हूँ। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर पर कब आओगे? अरे दया अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, पहुंचने तो दया रास्ते में हूँ मैं। ओ, तो मैं क्या कह रही हूँ, आप पार्टी से मिलकर जल्दी घर पर आ जाना, हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे, मैं आपका इंतजार करूंगी। नहीं दया मेरा इंतजार मत करना, वो क्या कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो बापूजी और टप्पू तीनों खाना खा लेना ठीक है? तो आप कहाँ खाना खाओगे? अरे मेरी जो मीटिंग है संतोष भाई शेट्टी के साथ वो होटल में ही है,
तो मैं उनके साथ वहीं खाना खा के आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छे से खाना खाना और अपना ध्यान रखना है। और बापूजी की बिल्कुल चिंता मत करना, टप्पू के पापा सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बाय बाय। ओ ये जेठालाल भी कमाल है, गुस्से गुस्से में कैसी कसम खा ली है। मुझे नहीं लगता कि अब जेठालाल पीछे हटेगा, करूं टेंशन में डाल दिया है, लगता है अब मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन करूं क्या, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे ही शेर के मुंह में अपना सर रखना पड़ेगा, मुझे ही बापूबली के सामने जाना पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। अभी करता हूँ चाचा जी से बात। बापूजी, टप्पू दिक्का, चलिए खाना खाने। जेठे आ गए? नहीं बापूजी, अभी मेरे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको आने में जरा देरी हो जाएगी, तो खाना बाहर ही खाकर आएंगे। ये जेठिया कभी नहीं सुधरेगा। बहू, तू खाना परोस, हम हाथ मुंह धो के आते। हाँ जी बापूजी। चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं तो तू इस वक्त यहाँ। हाँ चाचा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल। यहाँ वाली जी कोई आया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कहीं अकेले में बात कर। ठीक आ। बोल। बैठिए ना चाचा जी, बैठिए ना, बात करते हैं, बैठिए। हाँ तो चाचा जी, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी कहने से पहले मुझे ये बता, जेठिया ने तुझे भेजा है ना? नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो स्वयं आया हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मुझे जेठाला नहीं भेजा है चाचा जी। चाचा जी मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात कही थी ना कि हर परिवार को दिन में एक बार तो कम से कम साथ खाना खाना चाहिए, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ चाचा जी। लेकिन तेरा दोस्त समर्थन नहीं करता, उसका क्या? नहीं नहीं, वो भी समर्थन करता ही है चाचा जी। अरे समर्थन करता है तो उसका पालन क्यों नहीं करता? नहीं नहीं चाचा जी, वो भी पालन करना चाहता ही है, लेकिन जेठालाल के भी व्यापार की अपनी मजबूरियां, अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो व्यापार के सामने परिवार को भूल जाने का? मैं तो उस परिवार को संभालना इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, ये पहली जिम्मेदारी है, और जेठालाल भी मानता है और इस चीज को जानता है। अब वो जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए करता है ना चाचा जी। अब देखे ना, आपका गुस्सा शांत करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। अरे ऐसा बोल कि मेरा गुस्सा बढ़ाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। पहले वो वादा करके वक्त पे घर पे नहीं आया, फिर सुविचार के नाम पे मुझे ताना मार, फिर सरप्राइज देने के नाम पे मेरे सारे दोस्तों को घर पे बुला के भजन कीर्तन के बजाय डिस्को के गाने बजाकर सबके सामने मेरा अपमान किया, इसको जिम्मेदारी बोलते हैं? चाचा जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो भजन की जगह डिस्को गाने बज गए, उसमें जेठालाल की क्या गलती है? वो तो बाघा से गलती से वो पेन ड्राइव चेंज हो गई थी ना। अरे लेकिन उसे चेक करके लाना चाहिए था ना। चाचा जी टेंशन में इतनी छोटी मोटी चूक तो हो ही जाती है, अब इसके लिए आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, जेठालाल ने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया? तू कहना क्या चाहता है कि जेठिया पे गुस्सा करके मैंने बड़ा गुनाह किया है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाचा जी, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मुझे क्यों समझा रहा है, जाके अपने परम मित्र को समझा। चाचा जी मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो मुझे पता है कि जेठिया का अपने धंधे में, अपने दोस्तों में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह बहुत बड़ा नाम है। लेकिन सबसे पहले वो मेरा बेटा है, और उससे भी पहले मैं उसका बाप हूँ, और हर बाप को अपने बेटे पे गुस्सा करने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल चाचा जी, बाप के अधिकार, मतलब आपके अधिकार से बिल्कुल इनकार नहीं है चाचा जी, लेकिन जेठालाल का पक्ष भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब समझता हूँ, मैं तो मैंने भी दुनिया देखी है। जेठिया की माँ के चले जाने के बाद मैंने अकेले अपने हाथों से जेठिया को बड़ा किया, मैंने एक पल भी जेठिया को अपने से दूर नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार सिर्फ जेठिया ही था। मैंने अपने जीवन में हमेशा पैसों से ज्यादा अपने परिवार को महत्व दिया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं तो बैंक में लाखों करोड़ों रुपये हो जाने से कोई अमीर नहीं बन जाता, सच्चा अमीर वो होता है जो अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, क्योंकि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे परिवार के साथ खाना ये बहुत बड़ी बात है।
और इसी बात को लेकर मैं जेठिया पे गुस्सा और गुस्सा रहूंगा। अरे पर गुस्सा रहूंगा, चाचा जी तो कह के निकल गए, लेकिन कितनी कठिन परिस्थिति है भाई गड़ा परिवार के लिए। तराजू के दोनों पल्लों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। अब मैं मानता हूं कि अपनी अपनी जगह दोनों सही है, तराजू के एक पलड़े में चाचा जी अपनी जगह सही है, दूसरे पलड़े में जेठा अपनी जगह सही है, लेकिन अब क्या होगा। पर मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो उस कसम का हो रहा है जो जेठालाल ने खाई है। क्या होगा उस कसम का, बता दूं आपको कि क्या कसम खाई है? बता दो। नहीं बता भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि उस कसम के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अब होगा क्या, जेठालाल और चाचा जी के बीच में जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसका विराम कब होगा, इन दोनों के बीच की दुनिया कब खत्म होगी। पर इस कसम से क्या होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कसम से, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप हंस के बेहाल हो जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कसम से देखिएगा जरूर, देखते रहिए, हंसते रहिए। सो जाइए। अरे क्या हो गया तुझे आज, रोज मैं सोता रहता हूँ तो आके जगाती है, उठ जाइए उठ जाइए। वही तो, आप सोते रहेंगे ना तो बापूजी आकर आपको डांटेंगे और फिर आप सॉरी बोल देना और फिर आप दोनों में सुलह हो जाएगी। चाचा चाचा बापूजी को मेरे खिलाफ भड़का, जा जा जा। बापूजी देखिए ना, टप्पू के पापा उठ ही नहीं रहे हैं, फिर दुकान जाने में देरी होगी और घर पर देर से आएंगे। अभी उसकी खबर लेता। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।